बसमिल दिस इज़ मी मोहम्मद आसिफ एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल आसिफ जे वी मिल्टी वीडियोज़ डियर व्यूअर्स आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्रेफ्र स्मेयर में कुछ ऐसे कंडीशंस जिसमें एम नॉर्मल होती है लेकिन जब हम स्मेयर देखते हैं तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के एबनॉर्मल सेल्स नज़र आते हैं आर वी कैन से कि उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्फोलोजिकल सेल्स नज़र आते हैं आर वाले तो अगर लेट सपोज़ एम मशीन हमें कैलकुलेट करके दे देती है कि एम एक पेशेंट है उसकी है नाइन्टी फेमटोलीटर एम नॉर्मल है उस इंडिविजुअल्स का एम उसका है नाइन्टी फेमटोलीटर मीन्स कि ये नॉर्मल है तो हम कह सकते हैं कि दिस पेशेंट हैव हैारमोसिटिक नारमोक्रोमिक ब्लड पिक्चर लेकिन अगर हेमोग्लोबन उस पेशेंट का कम हो तो फिर नारमोसिटिक नारमोक्रोमिक अनीमिया हम इसको कहते हैं इसलिए ज़रूरी है कि इस पेशेंट की जिसकी इज भी नाइन है एट है सेवन है उसके प्रेफ्रंसमेयर देखा जाए ताकि हमें कोई और फाइंडिंग्स तो नहीं मिलती जो कि पेशेंट के लिए इम्पोर्टेंट हो तो जब हम प्रेफ्रेंस मेयर देखते हैं तो प्रेफ्रेंस मेयर में हमें एक पिक्चर मिलती है जिसमें ये एक लिम्फोसाइट है इस लम्फोसाइड से हम कंपेयर करेंगे और सिल्स को तो इस सिल्क को अगर हम देखें इस आर को तो दिस आर बी सी एज कम्पेयर टू दिस दिसट मीन्स कि ये आर बी सी माइक्रोसिटिक आर बी सी है इसी तरह ये आर बी सी माइक्रोसिटिक आर बी सी है और इसी तरह ये आर बी सी भी माइक्रोसिटिक आर बी सी है लेकिन उसके साथ साथ अगर इस सिल्क को हम देखें तो ये सिल इस सिल से बड़ा है ये आर बी सी इस लिफोसाइट से साइज में बड़ा है और ओवल भी है तो दिस इज कॉल्ड ओअल मैक्रोसाइट तो स्मेयर में हमें दो किस्म के मार्फोलॉजी नजर आती है एक है माइक्रोसाइट और दूसरा है मैक्रोसाइट तो एमसीवी जैसे हमने कहा था कि एम सी वी मीन सेल वॉल्यूम है कि सिल्स के एवरेज निकालती हैं तो चूंकि 50 परसेंट सपोज से कि 50 परसेंट माइक्रो है और 50 परसेंट मैक्रो है तो इसका एवरेज अगर निकाल दिया जाए तो ये आएगा नॉर्मल आएगा इसलिए हम इसको नॉर्मोसिटिक नहीं कहेंगे इसको हम कहते हैं इस मॉर्फोलॉजी को हम कहते हैं डायमॉर्फिक मॉर्फोलॉजी डायमॉर्फिक फील्ड या डायमॉर्फिक मॉर्फोलॉजी का मतलब यह है कि एक पॉपुलेशन माइक्रोसाइट का होना जरूरी है इसके साथ अगर मैक्रो आ रहा है या नॉर्मल आ रहा है तो दिस इज कॉल्ड डायमॉर्फिक पिक्चर तो क्राइटेरिया डायमॉर्फिक पिक्चर का यह है कि एक पॉपुलेशन आपका मस्ट माइक्रोसेटिक हो दू, दूसरा पॉपुलेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स जो मैक्रोसाइट या नॉर्मल हो सकते हैं तो इट विल बी कंसिडर एज डायमार्फिक ब्लड पिक्चर इस पिक्चर में हमें एक और चीज़ भी मिलती है कि ये एक सेल है जिसको हम कहते हैं ड्रॉप सेल ड्रॉप सेल इलेप्टोसाइट, आरपेंसल सेल या इलांगेटेड सेल इसी तरह ये सेल्स माइक्रो मैक्रो तो ये मुख्तलफ़ किस्म के मॉर्फोलॉजिकल सेल्स नजर आते हैं तो मीन्स कि इस पॉपुलेशन में वेरिएशन इन शेप मौजूद है जिसको हम कहते हैं पोकेलोसैटोसिस इसी तरह आरबीसी के साइज में भी वेरिएशन है कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं इसी तरह आरबीसी के साइज में भी वेरिएशन है कुछ स्मॉल है तो कुछ लार्ज है तो वेरिएशन इन साइज भी मौजूद है विच वी कॉल्ड एज अनाइसोसाइटोसिस सो अनाइसोसाइटोसिस मीन वेरिएशन इन साइज पोकेलोसाइटोस मीन वेरिएशन इन शेप लाइक देर आर डिफरेंट शेप्स टीयर ड्रॉपेटेड मैक्रोसाइट्स मैक्रोसाइट टारगेट सेल्स तो ये मुख्तलिफ किस्म के पोकिलोसाइट नजर आते हैं पिक्चर अब कौन कौन से कंडीशन में नजर आती हैं तो एक कंडीशन है कि मिक्स बिटविल्फ आर फुलेट डिफिशंस एनीमिया एंड आयरन डिफिशंस एनीमिया तो हम इसको कहते हैं मिक्स न्यूट्रिशनल डिफिशंस एनीमिया या सिंपल अल्फाज में हम न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी एनीमिया को कहते हैं तो आयरन एनीमिया एनीमिया इज आल्सो न्यूट्रिशनल एसिड आर वी कॉल्ड इट एज एनीमिया इट इज आल्सो अ न्यूट्रिशनल डिफिसी एनीमिया तो इस कंडीशन में डायमॉर्फिक पिक्चर नजर आ सकती है इसी तरह अगर एक इंडिविजुअल आयरन डिफिशियंसी एनीमिया का हो और उसके साथ साथ उसको थेरेपी दी जाती है जिसको हम कहते हैं आयरन थेरेपी दी जाती है तो आयरन थेरेपी अगर दी जाती है तो फिर उसमें नॉर्मल सेल्स भी आ जाते हैं तो माइक्रोसाइटोसिस प्लस नॉर्मल सेल्स अगेन डाइमार्फिक ब्लड पिक्चर इसी तरतीब से और भी डिफिशेंसीज है फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल है जो कि आयरन डिफिशंस एनिमे का पेशेंट है जिसको सिवियर आयरन डिफिशियंस यानी है और हेमोग्लोबन का है फाइव फोर आर सिक्स उसको ट्रांसफ्यूजन दी जाती है तो ट्रांसफ्यूजन से नॉर्मल सेल्स उसमें आ जाते हैं मीन्स नॉर्मोसाइट्स तो उस कंडीशन में भी फिर डायमार्फिक पिक्चर नजर आती है और एम सी वी उसका नॉर्मल होगा तो दीज आर सर्टन कंडीशन जिसमें मिक्स या हम इसको कहते हैं डायमार्फिक ब्लड पिक्चर नज़र तो ये थी आज की वीडियो कि एम सी वी नॉर्मल है जबकि मार्फोलोजी में डिफरेंस हैं तो हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं तो तो की पॉइंट्स ये हैं कि अगर एम सी वी नॉर्मल है और पेशेंट की इच कम है तो उसके लिए पे प्रफ्रेंस स्मेयर का देखना ज़रूरी है ताकि अंदाजा हो कि पेशेंट्स की कंडीशन किस तरफ है आया आयरन डिफिशेंसीिमे की तरफ जा रहा है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया की तरफ जा रहा है या मिक्स डिफिशेंसी है ताकि प्रॉपर मैनेजमेंट हो सके इन पेशेंट्स का सो होप सो देट यूड लाइक माई वीडियो लाइक इफ यू लाइक थैंक यू सो मच असल